केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में लगातार जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता में रोष है। इन जन विरोधी निर्णयों को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने प्रतिरोध दिवस मनाते हुए देश के साथ साथ प्रदेश में भी प्रदर्शन किए। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने देश भर में प्रतिरोध दिवस मनाते हुए धरने प्रदर्शन किए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जनवादी महिला समिति ने जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अध्यक्षा फाल्मा चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने जन विरोधी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के ब्याज में बढ़ोतरी कर 18 से 24% किया गया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार से वो लोग मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के दौर में जनता को राहत देते हुए प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन दिया जाए और जो लोग गरीब हैं उनके खाते में 7500 रुपए हर माह डाले जाए। फाल्मा चौहान ने कहा कि इस महामारी के समय में लगे लॉकडाउन में महिला हिंसा बढ़ी है, इसे रोकने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारा प्रतिरोध दिवस है, पूरे देश में हम लोग आज इसको मना रहे हैं। ये 6 महिला संगठनों का हम लोग पूरे देश में इस ये जो धरना प्रदर्शन है इसको कर रहे हैं, कुछ एक मांग को लेकर के। आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही कोरोना महामारी हमारे देश के अंदर आई तो हमारे देश की सरकार ने जिस तरीके से स्वयं सहायता समूह में RBI के दिशा निर्देशों की जो बैंक है और जो नीचे जो छोटे फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो ब्याज है वो 18 से 24% कर दिया है। और आज हम इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जो आपने जो ये डेट रखी है इसको आप लोग 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ाएं। दूसरे है हमारी ये मांग है कि पूरे देश में हम लोग मांग कर रहे हैं इतने महीनों से कि इस महामारी के दौरान हर एक प्रति व्यक्ति को, महिला को और उसके परिवार को 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन दिया जाए और आय करके बाहर के जो लोग हैं उनको 7500 रुपये उसके बैंक में डाले जाए। और उसके साथ साथ हम लोग ये जो पूरे देश में ये जो महिला हिंसा इस दौरान लॉकडाउन के दौरान बढ़ी है, बच्चियों के साथ जो हिंसा बढ़ी है इसको लेकर के भी हम लोग आज ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा कि ये जो घोटाले हुए हैं पूरे देश में और इसको लेकर के भी हम लोग आज इस प्रदर्शन को पूरे देश और प्रदेश में कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।